सो ये देखिए गाइस, आज हम यही बैंगल्स का ट्यूटोरियल मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये येलो कलर के ऊपर हमने काई कलर का केमिकल लगा के इस पे डिज़ाइन किया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। क्योंकि सावन आ रहा है तो उसमें ये बहुत चलेगा, तो आप भी ये डिज़ाइन बनाइए। जिसने किट मंगवा ली है वो ये डिज़ाइन बना सकता है, क्योंकि उसके पास सारा मटेरियल है। किट हमारे पास से ही मिलेगी, आपको भी मंगवानी है तो हमें कॉल करें, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ये देखिए, आज हम यही बनाएंगे। हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए, आप सभी को याद नहीं आई मेरी? आपने कभी कमेंट भी नहीं किया सेक्शन में कि आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। चलो छोड़ो इन बातों को, आज मैं आपको ना येलो कलर के ऊपर ना ग्रीन कलर के बैंगल्स बना के दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए हमारा केमिकल, ये लगभग काई कलर का केमिकल है, ये ग्रीन नहीं है, काई कलर मैंने इस केमिकल को बनाया है। और देखिए इसमें शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं इसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा है। इस शाइनिंग का राज बताता हूँ मैं आपको। अब मैंने ना एक न्यू केमिकल को ज्वाइन किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और उससे सस्ता केमिकल है, बहुत ज़्यादा अच्छा केमिकल है। आप एक बार इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप मेरी किट की वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो में मैंने प्रॉपर लिंक दी है आपको कि ना क्या क्या सामान लगता है चूड़ियाँ बनाने में। और हम पार्सल भी भेज देंगे आपको चूड़ियाँ बनाने के सारे सामान के। जो किट का प्राइस है वो 3,500 रुपये है, उसमें आपका सिखाना वगैरह हम सारी चीज़ें, उसमें ट्यूटोरियल्स वगैरह सारी चीज़ हम आपको बताते हैं। और जैसे कि मैंने आपको यूट्यूब पे बताया, यूट्यूब पे मैं इतनी बड़ी वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ, उसमें हम आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने बैंगल्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और अब मैं आपको उस जो प्लूटोन कंपनी था उसको मैं अभी लगभग छोड़ ही रहा हूँ, क्योंकि उस जो कंपनी है प्लूटोन उसमें अभी इतनी शाइनिंग नहीं रही है। अब मैंने एरोलाइट कंपनी है एक, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसके प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो एरोलाइट कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो किस टाइप के हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, देखिए ये देखिए इस टाइप से हमारा जो डब्बा रहने वाला है, और इसका केमिकल बहुत सुंदर बनता है, आप ये देख सकते हैं, रेजिन और हार्डनर का दोनों का है। अब हम अपने बैंगल्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो जो ये ट्यूटोरियल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सावन के लिए है स्पेशल, क्योंकि अब हम सावन का जो महीना आने ही वाला है 4 तारीख से, तो आप ये देख सकते हो। अब मैंने इसमें काई कलर का केमिकल लिया है, अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा ही केमिकल लगाऊंगा अपनी स्टिक पर, और मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अभी लगाना स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टिक पर केमिकल ले लिया है, अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा लगाऊंगा। हम ज़्यादा ज़्यादा केमिकल नहीं लगाएंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि डिज़ाइन भी आज हमारा हल्का ही रहने। इसको ही हम अच्छी तरह से फैला देंगे, पूरी चूड़ी पे कवर हो जाए। इस साइड से थोड़ा प्रेस करके आप इसको आसानी से फैला सकते हैं। ये देखिए हमारी एक चूड़ी कंप्लीट हो गई केमिकल लगने के बाद। अब मैं ऐसे ही सभी चूड़ियों पर केमिकल लगाऊंगा। सो देखिए गाइस, सभी चूड़ियों पे हमारा केमिकल लग चुका है। आज हम इस पर फ्लावर का डिज़ाइन करेंगे, येलो कलर के फ्लावर का, क्योंकि हमने येलो ये चूड़ियाँ ली हैं। ये देखिए हमारे ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, अगर ये फ्लावर्स भी किसी को चाहिए तो वो मंगा सकता है। देखिए गाइस, अभी हम इस पर स्टार्ट करते हैं, ऐसे लगाएंगे हम छोटे छोटे फ्लावर्स, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। कुछ इस टाइप से हम लगाएंगे, ये लगा दिया, एक इसके हम बिल्कुल इसके पीछे लगाएंगे, मतलब एक दो जगह पे लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर होना चाहिए हमारा। ये देखिए मैंने लगा दिया, अब हम इसको थोड़ा सा और फैलाएंगे इस फ्लावर को, लगभग कितना कितने में हमारे नग आएंगे अब, ठीक है, लगभग इतना। ये देखिए अब जो हमारा सेंटर है ये वाला, इसमें तो हमारे नग आएंगे इसके और इसके बीच में, और ये हमारा खाली रहेगा, ठीक है। अब हम इसी टाइप से हमारा सारी जो चूड़ियां हैं उन पर कर लें।
दो चूड़ियों पे लग गया, अभी मैं ऐसे ही सभी पे लगाऊंगा पहले। सो देखिए गाइज, हमारे जो चूड़ियों पर केमिकल भी लग चुका है और हमने ये येलो कलर के फ्लावर भी लगा दिए हैं। अब हम इस पे अपना जो नग लगाएंगे, नग कैसे लगाने हैं मैं आपको लगा के दिखाता। जो हमारी ये चूड़ी है ना, इसके बीच में हमें पूरी लाइन कवर करनी है इसकी एक नग की। फिर इसको ऐसे दबाते भी चलना है ताकि ये सीधी रहे इस टाइप से। ये देखिए, हमें इसके पूरी लाइन कवर करेंगे एक। बीच में हमें कुछ भी नहीं लगाना है, ये देखिए हमारी एक इसमें पूरी हो गई। अभी हमें इसके सेकंड जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको कवर करेंगे, जो कि है ये वाला। ये देखिए, हमने इसकी ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली है। देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको एक चीज और इसपे करूंगा, ये देखिए इसपे हम एक चीज यहाँ पे लगाएंगे ना, और एक यहाँ पे लगाएंगे और एक इसके बीच में लगाएंगे। ऐसे ही हम एक इसके यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक इसके बीच में लगाएंगे। हमारी जो चूड़ी है, जो चूड़ी का डिजाइन भी है, वो पूरा कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसे ही मैं अभी इसकी सारी चूड़ी कंप्लीट कर लूंगा। तो देखिए गाइस, मैं हमारे बैंगल्स बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। काई कलर है, ये येलो के ऊपर है और येलो कलर के हमने इस पे फ्लावर लगाए हैं। जो हमारे येलो के फ्लावर्स थे उन पे आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, जो काई कलर है वो थोड़ा चढ़ गया है इनके ऊपर। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी भी। और मैंने इसके साइड में ही ये दो कड़े भी बना दिए हैं, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो इनका सेट बन जाएगा, चार चूड़ी और दो कड़ों का, और आठ कड़े ऐसे सेल हो जाएंगे। तो अगर आपको ये बिजनेस सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप मेरी जो किट की वीडियो वो देख सकते हैं। आप किट मंगा सकते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, आपके घर तक डिलीवरी हो जाएगी, सीओडी अवेलेबल है। और ठीक है, और ये देखिए, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।